द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सिंध में एक बार फिर से बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया और ये पहली दफा नहीं है, गालिबन दूसरी तीसरी दफा ये हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के अमल को मुलतवी किया जा रहा है और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि इंतखाबी अमल कम से कम 3 माह तक के लिए मुलतवी किया गया। इसके पीछे की वजूहत हम जरूर जानेंगे, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का ना होना बहसियत एक शहरी के लिए कितना तकलीफदेह है। और पाकिस्तान में जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत की तो असल पहचान उसका लोकल बॉडी सिस्टम होता है, जब वही ना हो तो जमहूरियत किस तरह की होगी। नातिक साहब, दुनिया भर में देखते हैं लोकल बॉडीज का निज़ाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट वहां की आम पब्लिक को यह फर्क ही नहीं पड़ता कि ऊपरी सतह पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि हमारे शहर में मेयर कौन है, हमारे शहर की सफाई कैसी है, यूटिलिटीज कैसी है। पाकिस्तान में ये रुझान नहीं दिखाई देता। देखिए, और इसीलिए हम पीछे हैं, ठीक है। अगर लोकल बॉडी स्ट्रांग नहीं है, हमने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में देखा जब उन्होंने रूट लेवल पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो वी सॉ दैट चेंज, ठीक। तो अगर लोकल बॉडी और ये लोकल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, नहीं करेगी तो कराची, अगर हम स्पेसिफिकली कराची को लें तो वो कराची वही, हम उसी को रोते रहेंगे कि रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इलाकाई मसले मसाइल हैं। तो हम पीछे इसी वजह से हैं। बट इलेक्शंस का ना होना, मुलतवी होना, इसमें एज एन एनालिस्ट मैं ये बात जो सिंध गवर्नमेंट ने उस बयान दिया उससे किसी हद तक एग्री भी करूँगा कि देखें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो फ्लड की सिचुएशन पाकिस्तान ने भुगती है, झेली है पिछले दिनों के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फोर्सेस होती हैं, पुलिस का होना, फिर सिंध में रेंजर्स भी है, कराची में रेंजर्स भी है, का होना और वहाँ पे ड्यूटीज़ को बरहलावार कराया जा सकता है। सिंध कहती है कि अगर आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च होता है तो अपनी पूरी फोर्सेस को वहां भेजने के लिए तैयार है, चाहे कितने दिन हो। लेकिन यहाँ पे जब इंतखाबी अमल की बात होती है तो सिंध की गवर्नमेंट के पास ना फोर्सेस हैं ना इंतखाबी अमला है, कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं मरहलावार किया जा सकता है, कराची को 2 से 3-4 सेगमेंट में करके कराया जा सकता है अगर तो विलिंगनेस हो तो। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। पहले मैंने बात की कि इलेक्शंस का ना होना इसी वजह से फेलियर है और इसी वजह से हम पीछे हैं। फिर जो सेकंड मैं फेस पे बात कर रहा हूँ कि यस, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस का होना शहर में इस मामले के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी किस्म का भी अनप्रोवर्ड सिचुएशन जो है वो हो सकती है, कोई टेरर अटैक भी हो सकता है, कोई आपस में पार्टीज़ का बलवा भी हो सकता है, फिर इसी तरीके के इल्ज़ाम भी हो सकते हैं कि जी पोलिंग में जो है वो धांधली हो रही थी या व्हाट्सएवर। बट यस, इसके एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, तरीकेकार हो सकते हैं। इस इलेक्शन का ना होना खुद कितना बड़ा नुकसान है कि ये तरीकेकार हो सकते हैं। इसको आप मरहलावार, जैसे आपने कहा, उसको किया जा सकता है, उसको पॉकेट्स में किया जा सकता था, उसको लंबे स्पैन में किया जा सकता था। तो और फिर आप यू कैन ऑलवेज टेक नजीब यूपी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। नजीब साहब, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। मुबारकबाद तो आप कराची दुश्मनों को दीजिए, जो कराची दुश्मन है, जो बल्दियाती इंतखाबात से फरार चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं नजीब साहब, क्यों चाह रहे हैं? बार बार कराची के बल्दियाती इंतखाबात ही क्यों निशाने पे आ जाते हैं? बिल्कुल आएंगे, इसलिए आएंगे कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि जमात इस्लामी भरपूर रोल प्ले कर रही है और ये जो वडेरा माइंडसेट है ये इख्तियारात को नीचे ट्रांसफर नहीं करना चाहता। अब आप देखिए कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि इलेक्शन कमीशन को तो ऑर्डर, आइन उसको ये कहता है कि वो तो फौज को बुला सकता है, वो तो तमाम इंतजामिया को ऑर्डर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन उल्टा इनसे पूछ रहा है कि जी फरमाइए माई बाप, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो एक तो सबसे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने की है। दूसरे, अमीर जमात इस्लामी ने वजीर आला के इस बयान पे पूछा था कि जब उसने कहा था कि जनाब हमने इतनी नफरी वहां भेजी हुई है सिंध में, तो उन्होंने कहा कि कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन, कोई एक नाम बताइए। आज तक कोई एक नाम नहीं बताया जा सकता। तो झूठ की बुनियाद के ऊपर ये कराची के जो बुनियादी हुकूक है उस पर डाका मार रहे हैं। सर एक हफ्ते के लिए कराची के वीआईपीज के पास जो नफरी दी गई अगर उसको वापस ले लिया जाए तभी बल्दियाती इंतखाबात तो कराया जा सकता है। हर चीज हो सकती है जनाब, यहाँ क्रिकेट मैच हो सकता है, नफरी लग जाती है, लेकिन कराची जो पूरे मुल्क को चला रहा है, कराची जो 140% टैक्स दे रहा है, यहाँ पर जो आइन की बुनियादी शिक है, बुनियादी नर्सरी है जमहूरियत की, बल्दियाती सेटअप के इंतखाबात उसको रोके जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये कराची दुश्मनी है और इस कराची दुश्मनी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अभी अमीर जमात इस्लामी ने पूरा रोड मैप दे दिया है कि 20 तारीख को पूरी कराची में मुजाहरे होंगे, 21 तारीख को बाग जिना के अंदर खवातीन कन्वेंशन होगा, जहाँ अब हम देखिए अब हम इसके फवायद, अब ये तहरीक हमारी शुरू है कि कराइए सिर्फ बल्दियाती इंतखाब की तहरीक नहीं है, ये हुकूक कराची की तहरीक है कि कराची के साथ जो नौकरियों के अंदर जुल्म हो रहा है, जो मरदमशुमारी के अंदर जुल्म हो रहा है, जो माली वसाइल के अंदर जुल्म हो रहा है, जो बच्चों के रोजगार में जुल्म हो रहा है, जो तालीमी इदारों के अंदर तफरीक रखी जा रही है और जो इन तमाम चीजों के खिलाफ, ये बिजली के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, तो ये तमाम की तमाम उमूर पे मुश्तमिल ये हुकूक कराची की तहरीक है, जिसमें बल्दियाती इंतखाब तो दरमियान की चीज है। ये हम इसके हवाले से ही बात करेंगे और अब तो एक नए जज्बे और अज़म के साथ जमात इस्लामी मैदान में है, इसलिए कि हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें ये ड्रामा कर रही हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन कंपेन नहीं चलाई है। ये सियासी जमातें इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत में गई थी, अदालत ने इनको मना किया और ये वापस आए वहां से अदालत से, और उसके बाद अभी भी सब टोपी ड्रामा चल रहा था। नजीब साहब जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, इसका मतलब ये है कि ये सब के सब मिले हुए हैं, सिवाय जमात इस्लामी के कोई भी कराची का मुखलिस नहीं है, कराची का हमदर्द नहीं है। और ये बात मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन सियासी जमातों ने कराची दुश्मनी का मुजाहरा किया, इसमें वफाक भी शामिल है। आज तो फौज के हवाले से वफाक ने बात की है, वफाक में पीडीएम बैठी हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, नून लीग शामिल है और इसी तरीके से उनके छोटे मोटे ये सारे, तो इसका मतलब है वफाक भी हमारा दुश्मन है, इसका मतलब है सूबा भी हमारा। सूबा के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वडेराना माइंड सेट है, ये किसी भी सूरत इख्तियारात नहीं देगा, ये शहरियों को अपने कंट्रोल में रखेगा और उसके लिए, लेकिन हाफिज नईम रहमान की जो जद्दोजहद है ये अवेयरनेस की जद्दोजहद है, नजीब साहब को शऊर देने की जद्दोजहद है। नजीब साहब आज वजीर इत्तलात सिंध के शकील नाम मेमन साहब ने कहा कि हम कल इलेक्शन कराने के तैयार है, वफाक से हमने पुलिस की इजाफी नफरी तलब की है, वफाक इजाफी नफरी दे दे, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो क्या सिंध में नफरी नहीं है या वफाक भी नहीं चाहता कि सिंध में इलेक्शन हो? ये पहले अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी, ये तो इत्तेहादी है ना भाई, ये तो वफाक और ये सूबा तो एक ही है ना, पीडीएम का हिस्सा है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम तुम्हारे ऊपर गेंद डालेंगे, तुम्हारे कोर्ट में, तुम हमारे कोर्ट में गेंद डालो, और ये सारी चीजें टोपी ड्रामे का हिस्सा है, ये नहीं कराना चाहते। और हम तो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफी हो जाना चाहिए, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। सर पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तो कॉन्फिडेंट हैं, हमने मलीर की अपनी सीट वापस रिगेन की, जिमनी इंतखाबात में मलीर में कामयाब हुए, हम तो कॉन्फिडेंट हैं, हम तो इलेक्शन करवा देते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आपको लगता? कॉन्फिडेंट होते तो इलेक्शन करवा देते ना, वो क्यों उनके आसाब पे आज नहीं सवार है, रातों कोई नींद उड़ी हुई है उनकी। और नजीब साहब ये एमकेएम के हवाले से बताइएगा, एमकेएम का तो गवर्नर भी हैं सिंध में। एमकेएम रिलेट नहीं करती, एमकेएम अब माजी हो गया, एमकेएम के बारे में छोड़े जी, आप रहने दें। सर कराची की जमात आज भी वो कहते हैं कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात है। सर होंगे, आप मुझसे कोई और सवाल कर लें, ये पास्ट है, माजी हो गया, गुजर गया। तो नजीब साहब आप क्या मतलब 3 माह तक का वक्त दे दिया गया, आप कह रहे हैं आप सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन इसके बाद क्या? तो जहद शुरू हो गए, ये हमारी तहरीक कराची को हुकूक दो की तहरीक है, और ये जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है ये भी कराची के साथ हक तलफी है। हम मैदान में मौजूद हैं, हाफिज साहब ने आज पूरे रोड मैप का ऐलान कर दिया है कि किस तारीख को क्या होगा, और हम आवाम को साथ मिलाकर एक अवेयरनेस, एक मुहिम चलाएंगे कि बुनियादी नर्सरी जमहूरियत की बल्दियाती इंतखाब है, तलबा तंजीमों के इंतखाब है, यूनियन है, वहां से लीडरशिप निकलती है। और अगर वहां आप पहरे लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो इस तरह के गुंडे निकलेंगे, जिस तरह के गुंडे आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों में और गवर्नर के तौर पर और दूसरे अंदाज में नजर आते हैं। तो असल चीज ये है कि जमहूरियत की जो बुनियादी नजरिया है उसको परवान चढ़ाना चाहिए, उसको आजादी देनी चाहिए। ठीक हो गया। पहले की सियासत में कितने पढ़े लिखे लोग होते थे कि उनका एक वकार था, दबदबा था, उनकी बात मानी जाती थी। आज तो वो रहने दे, अब मेरे मुख से क्या नहीं। नजीब साहब, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल मुकदमा पेश कर दिया और यकीनी तौर पे आप लोग जिस अंदाज से कराची का मुकदमा लेके पूरी पाकिस्तान में चल रहे हैं, वफाक को और सूबे को दोनों को आईना भी दिखा रहे हैं, यकीनी तौर पे खराज तहसीन में आपको पेश करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हो बेहतर हो। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौकफ दिया कि जमात इस्लामी इस वक्त किस मूड में नजर आती है। नातिक साहब, जमात इस्लामी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स राइट नाउ कराची के तक, अगर एटलीस्ट हम बात करें कि जो आपका लोकल बॉडीज का निजाम है, जमात इस्लाम ने एग्रेसिव कैंपेन की, दीगर पार्टीज के मुकाबले में कम की ज्यादा की, उस बहस पे जाए बगैर ये जो तमाम तर इलेक्शंस का मुलतवी हो जाना, कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिमनी इंतखाबात भी हो रहे थे, मुतादिद बार कोशिश की गई उसको एक्सटेंड किया जाए। इनफैक्ट लास्ट जो इलेक्शंस हुए उसमें भी जुम्मे की सुबह शाम तक की कोशिश की गई कि इलेक्शन प्रोसेस को रोका जाए, डिले किया जाए। सर, गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि इलेक्शन प्रोसेस को डिले करे, गवर्नमेंट तो साथ को तो चाहिए कि इलेक्शन को फैसिलिटेट करे ताकि इंतखाबी अमल, जमहूरी अमल आगे बढ़े। ये किस तरह की हुकूमत है हमारे मुल्क में? देखिए जी, मैं हुकूमत की वो तो कॉमेंट नहीं करूंगा, बट यस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए और यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस। आप ज़बानी कलामी तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बट ये अपने मैदान में कॉन्फिडेंस दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़मीनी इलेक्शन, बाय इलेक्शंस, ये हमारा हक है, आवाम का हक है। पॉलिटिकल पार्टी में हक हो ना हो, ये हमारा आवाम का, मेरा आपका हक है कि हम अपना इलाकाई जो है वो लीडर चॉइस करें और वो हमारे लिए काम करें। ठीक है, हम पे इम्पोज्ड पर्सन जो है वो ना हो, हम पे हमारा बेसिस पे ना इलेक्टेड पर्सन जो है वहाँ मौजूद हो और उसके हम दरवाजे हमारे लिए खुले हों और हम जब जाएं अवामी नुमाइंदा हो ना, exactly. तो अवामी नुमाइंदा हो ताकि उससे जवाबदारी भी की जा सके। एग्जैक्टली, एडॉक बेसिस पे तो हमारे यहाँ मुल्क में अलग ही किस्म का मामला चलता नजर आता है, कोई किसी को जवाबदेह नहीं होता और जब जिसका दिल आता है वो हाथ झाड़ के चलते। लेकिन हमें हमारी पार्टीज को, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को मैच्योर होना पड़ेगा। इट्स इनफ, चाहे ये जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, इनको अब मैच्योर होना पड़ेगा। लगता है मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए कुछ चंद सालों में हमारी ओवरऑल जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना वकार उन्होंने भी खोया है, कहीं ना कहीं वो भी बड़ी जिम्मेदार हैं कि आज जब हम बात करते हैं दूसरी कुव्वत की, तीसरी कुव्वत की, तो कहीं ना कहीं इनका अपना अमल भी तो जिम्मेदार है। आप जगह बनाते हैं तो जगह ऑक्यूपाई होती है। Exactly. आप जगह नहीं बनाएंगे, जगह ऑक्यूपाई नहीं होगी। आप केपेबल होंगे तो किसी दूसरे को केपेबल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केपेबल ही नहीं है। फ्रॉम बिगनिंग टिल टुडे मैं जमात इस्लामी को भी बीच में जो है वो इंक्लूड करता हूँ। ये केपेबल होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ रहे होते, एमक्यूएम केपेबल होती तो ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। ये लोग केपेबल नहीं है, कहीं ना कहीं कुताही हुई है, कुछ exactly. कुछ ना कुछ exactly. रहा है मामला। और कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि जहां पे बेनिफिशरीज एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो दूसरी जानिब ऐसा पूल नहीं क्रिएट हो जाता जो कि प्रेशर पूल हो और दूसरे की जो मामला है उसको फिर डिक्टेट किया जा सके, उसको उसके फैसलों को तब्दील किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि जो हो बेहतर हो और आने वाले कल के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सके। जमीनी इंतखाबात हुए, लोकल बॉडीज का मुलतवी हो जाना, ये दोनों मामला ये यहाँ ठहरने नहीं वाले। जिस तरीके से हमने सुना नुसरत राही साहब फरमा रही थी कि तहरीक इंसाफ भरपूर जारिहाना मूड के साथ आगे की तरफ पेशरफ करेगी और हुकूमत के लिए इस वक्त जो इतलात आ रही है वो ज्यादा बेहतर भी नहीं है। जहां पे एक तरफ IMF के हवाले से मामला नजर आ रहे हैं, दूसरी जाने पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान की मीशत के ऊपर डिफॉल्ट के खतरात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो ये सारी सूरत हाल कहीं ना कहीं हुकूमत को मुश्किलात में जरूर डाल दें, मुश्किल फैसले करने होंगे, कड़े फैसले करने होंगे और बड़े फैसले करने होंगे। नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बहुत अहम होने जा रहा है कि आखिर कौन है। आने वाले प्रोग्राम में इस बात को भी तस्करा करेंगे कि अभी तक अगर हुकूमत ने अगले आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट नहीं किया तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हुकूमत को रोक रही है, आखिर वो क्या वजह है जो हुकूमत अभी तक आने वाले नए आर्मी चीफ के हवाले से अपनी लब कुशाई नहीं कर पा रही। इसके बाद बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।